अपने नवजात बच्चे को 3 माह से देखने को तरस रहे कोरोना योद्धा की मौत। स्वास्थ्य विभाग में गम का माहौल। कोरोना काल में लगातार ड्यूटी करते हुए बीमार हुए चिकित्सक की कानपुर में इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। अपने अच्छे स्वभाव व दिन रात मरीजों की सेवा के चलते अचलदा सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों व तामीरदारों में लोकप्रिय थे डॉक्टर सुबोध कुमार। जनपद जलौन निवासी 38 वर्षीय चिकित्सक कोरोना के चलते अपने नवजात बच्चे को भी नहीं देख पाए। मरते समय अपने पुत्र गोलू 3 माह को ही करते रहे याद। सर, जो ये डॉक्टर सुबोध की अचानक मृत्यु, ये इसका मुख्य कारण क्या है? आज से करीब 9 साल पहले जो है उनका जो है रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था। माँ के द्वारा एक किडनी जो है उनको ट्रांसप्लांट की गई थी और उसके बाद जो है 23 तारीख को जो है उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। उसके बाद मैं जो है कानपुर GSB मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया, जहाँ रात को 2:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। सर, इनका नेचर और स्वभाव कैसा था? बहुत ही लगनशील, कर्मठ, ईमानदार, मतलब जितना भी कहा जाए वो सब कम है उनके लिए, क्योंकि इस जैसा डॉक्टर जो है अभी तक 10 साल की सेवा में मैंने नहीं देखा।